नमस्कार, मैं नीतीशन। समयपुर बादली थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नकली जज को गिरफ्तार किया गया है। यह शख्स खुद को हाई कोर्ट का सिटिंग जज बताता था। इस आरोपी ने SHO को धमकी दी कि आपको 5 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने ACP को भी व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि मैं हाई कोर्ट का सिटिंग जज हूँ, जिसके चलते SHO ने हाई कोर्ट से सीधा संपर्क साधा और इस आरोपी की जांच की, जिसके चलते यह आरोपी नकली जज पाया गया, जिसके चलते इस आरोपी को रंगे हाथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली थाने की पुलिस की टीम ने एक नकली जज को गिरफ्तार किया। इस जज को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जिस वक्त इस जज ने SHO व ACP को व्हाट्सएप कर निरीक्षण की जानकारी दी। निरीक्षण की जानकारी के बाद इस पूरे मामले को देखते हुए SHO समयपुर बादली के पास जब ये नकली जज पहुंचा तो इसने किसी केस को लेकर SHO से ही 5 लाख रुपए की मांग कर दी, वरना कहा कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। जिसके बाद इस मामले को देखते हुए SHO समयपुर बादली ने हाईकोर्ट में संपर्क साधा, जिसके बाद पता चला कि आरोपी नकली जज है और इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी आदर्श नगर का रहने वाला है, जिस पर इसकी एक पत्नी ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी जेल गया। लेकिन आरोपी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद आरोपी को 2 बच्चे और हुए। कुल मिलाकर आरोपी के 5 बच्चे हैं और 2 बीवियाँ हैं, जिसमें से एक बीवी ने आरोपी पर दहेज का केस चला रखा है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है समयपुर बादली थाना पुलिस की टीम। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया था, जिसके अंदर एक शख्स ने अपने आप को दिल्ली हाईकोर्ट का सिटिंग जज बता के उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्शन पे आएगा। उसके पास एक रिट पिटीशन लगी है, उसी के इंक्वायरी के लिए वो आएगा। शाम को 5 बजे का उसने समय दिया था। इसके लिए जब वो शाम को 5 बजे अपनी एक नैनो गाड़ी में वो जब आए तो पुलिस पर्सनल से वो मिले और फिर से उन्होंने यही बात दोबारा रिपीट की कि वो हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने जज का नाम बताया कि मैं हाईकोर्ट के ए सिटिंग जज हूं और उन्होंने फिर रिट पिटीशन के लिए बोला कि आपके खिलाफ यहां पे एक्टिविटीज़ में रिट पिटीशन लगी है और अभी रिट पिटीशन के लिए और फ्यूचर की रिट पिटीशन के लिए अगर आप यूनियन व्यू चाहते हैं और अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उसने फिर 5 लाख रुपये की उसमें डिमांड की। जब उसकी डिस्क्रीट वेरीफिकेशन किया गया तो पता चला कि वो हाईकोर्ट जज नहीं है और ये एक नरेंद्र कुमार अग्रवाल बंदा आदर्श नगर का रहने वाला, एज 65 ईयर पाया गया। इसने 2 दिन पहले भी हमारे एक हेड कांस्टेबल को फ़ोन करके धमकाया था कि आपके यहाँ इलीगल एक्टिविटी चल रही है और इसमें आप 5 लाख रुपए देंगे तो आपको छोड़ा जाएगा। तब भी इसने हमारे हेड कांस्टेबल को हाईकोर्ट जज बन के ही कॉल किया था, उसकी हमने DD एंट्री भी की थी। इस तमाम कार्रवाई को देखते हुए इम्पर्सनेशन और एक्सटोर्शन के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके हम आगे कार्रवाई जारी कर रहे हैं। थैंक यू।